मुंगेर में पंजाब पुलिस ने बुधवार को डकैती की घटना को अंजाम देने वाले खड़गपुर बाजार निवासी अंगद कुमार, राम कुमार और गजानंद कुमार को गिरफ्तार कर पंजाब ले गया। वहीं इससे पूर्व तीनों गिरफ्तार अपराधियों का मुंगेर सदर अस्पताल में कोरोना जांच करने के बाद मेडिकल कराया गया। उसके बाद मुंगेर न्यायालय में पेश करने पंजाब पुलिस अपने साथ गिरफ्तार अपराधियों को लेकर चला गए। तीनों अपराधियों को खड़गपुर से गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस 38 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ लेकर चली गई। इस दौरान मुंगेर एसपी जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि पंजाब के जालंधर में कपूरथला जिला के फतुडिंगा थानांतर्गत एक्सिस बैंक भवानीपुर शाखा में बीते 29 सितंबर को 38 लाख के डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पंजाब पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान डकैती करने वालों में तीन अपराधियों की पहचान मुंगेर जिलांतर्गत खड़गपुर बाजार निवासी के रूप में हुई। एसपी जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि एक्सिस बैंक में 38 लाख रुपये डकैती मामले में जालंधर के फतुडिंगा थाना से इंस्पेक्टर जनरल सिंह के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो इंस्पेक्टर, एक जेएसआई और एक कांस्टेबल खड़गपुर पहुंचे थे। खड़गपुर पुलिस के सहयोग से खड़गपुर बाजार में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के पूर्व पंजाब पुलिस ने तीनों अपराधियों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। तत्पश्चात कोर्ट के आदेश पर 5 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर तीनों अपराधियों को अपने साथ ले गई। भाई साहब जरा सा आप फट जाइए, आप फट जाइए साइड। हेलो, सेवन डबल फोर इसका क्या नाम है? कैलाश कैलाश कैलाश।